राज्य के नागपुर में उड़ीसा यूपी से भारी संख्या में शरणार्थी आए हुए हैं। रामझूला पुलिया के नीचे उन्होंने खुले पर अपना आशियाना बनाया है। आइए डालते हैं एक नजर। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्म जाति पंथ के लोग रहते हैं। गरीब और रईस बड़ी संख्या में भी नागपुर में रहते हैं। भारत के किसी भी राज्य में, प्रांत में, शहर में कोई भी भारत का नागरिक कहीं भी रह सकता है, कामकाज कर सकता है, अपना और अपने परिवार का गुजर बसर भी कर सकता है। इसी श्रृंखला में नागपुर के रामझूला पुलिया के नीचे सैकड़ों की संख्या में उड़ीसा यूपी से शरणार्थी आए हैं। रामझूला पुलिया ही उनके लिए छत का काम कर रहा है। यहाँ पर आए परिवार के छोटे छोटे मासूम बच्चे भुखमरी के शिकार दिखाई देते हैं। इन लोगों को न खाने के लिए कोई अनाज है, न बदन पर पहनने के लिए ढंग का स्वच्छ वस्त्र है। खाना पकाने के लिए चूल्हा तो जरूर दिखाई देता है, लेकिन अनाज सब्जी बहुत ही कम या ये कहे नहीं के बराबर इनके पास कोई भी सामग्री नहीं है। ये लोग कुछ काम धंधा करना चाहते हैं। इन्हीं में से कुछ बच्चे संतरा मार्केट में जो काम मिला वो पूरी शिद्दत के साथ करते रहते हैं और उन्हें जो मेहनताना मिलता है उससे वे अपने और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। जिस दिन इन्हें काम नहीं मिलता उस दिन ये बच्चे शहर के हर चौराहों पर भीख मांगते नजर आते हैं। उड़ीसा में रहते सर, यहाँ पे हम लोग का घर द्वार नहीं है तो हम यहाँ पे रहते, काम धंधा करते, काम धंधा नहीं मिलता तो बाटल उटल चुमते, वही उसी में पेट पालते हम लोग का, ना घर द्वार है ना कुछ नहीं है। वो ठंडी लगती, लेकिन क्या मजबूरी है, क्या कर सकते, घर द्वार तो है ही नहीं सर। ज्यादातर बांटने के लिए आते वो बाहर से, उसे लिए बस जब पानी गिरता तो इसमें बच लेते पुलिया पे। तब खाना वाना बांटने के लिए आते दूर से पब्लिक लोग, चद्दर खाना मिलता है आपको? नहीं, रोज नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। जब खाना नहीं मिलता तब मांगने के लिए चले जाते, पेट के लिए क्या करेगा, और जब पैसा मांगने के लिए नहीं देते उधर पैसा तो इधर काम करते। उड़ीसा से आया मैं, अब काम नहीं मिलता तो काम करते और काम मिलता तो काम करते और काम नहीं मिलता तो बोतल चुनने जाते या उधर करते, या कुछ नहीं मिलता तो खाली पीली सो जाते हैं, और खाना नहीं मिलता तो भूखा पेट में सोते हैं हम लोग, और मिल गया तो काम तो करने के लिए जाते, बहुत मेहनत करने पड़ता है, जब पैसे आते जब पैसे नहीं आते। जहाँ ये लोगों का बसेरा है ठीक उसी के बाजू में ये खुला नाला भी दिखाई देता है। नाले से गंदगी, बदबू और मच्छरों का तांडव रहता है। कई मच्छर काटने से इनमें से अधिकतर बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। इस परिवार के छोटे बच्चे नाले के किनारे खेलते रहते हैं। इस नाले पर सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई है जिससे ये छोटे बच्चे गहरे नाले में कभी भी गिर सकते हैं। मनपा प्रशासन ने इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आए दिन केंद्र सरकार बाहर देशों से शरणार्थी भारत लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले ही शहर के नागरिक अनेक दिक्कतों का सामना कर जी रहे हैं। आज भी शहर के कई परिवार रात को भूखे सोते हैं। ऐसे में शरणार्थी की ओर कौन देगा ध्यान, ये सवाल अब भी बन खड़ा हुआ है। ये बात उभर कर सामने आ रही है। जैसे कि इन लोगों ने बताया है कि ये अपने कामकाज ढूंढने के लिए उड़ीसा से, कोई यूपी से नागपुर में इनके परिवार आए हुए हैं। गुजर बसर करना, किस प्रकार से करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज इनके लिए है। ऐसे में ये लोग इस पुलिया के नीचे, रामझूला जो पुलिया यहाँ से जा रहा है, जहाँ मैं नीचे खड़ा हूँ, ये भी इनका बसेरा है, यही इनका बंगला है, यही इनकी झुकी झोपड़ी है, यहीं पर रहते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं। बारिश हो, ठंड हो या हो फिर धूप, ये तमाम जो बातें हैं इनका ये डट कर सामना करते हैं। गरीबी जो है अपने आप में बहुत कुछ सिखा देती है, मगर आए दिन इस प्रकार से नागपुर शहर में ऐसे कई परिवार है जो पुलिया के नीचे में अपना गुजर बसर करते हुए नजर आ रहे रहते हैं। आप देखिए, थोड़ा एक बार पहन करके पूरे लोग बता दीजिए, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, दो वक्त का खाना इन्हें नसीब नहीं होता। पैसे के जद्दोजहद के लिए ये काम जरूर करते हैं। हमने जब एक से बात किया कि पैसे, भैया चोरी करना कैसा लगता है,
बहुत खराब लगता सर, मेहनत के कमाते तो खाना पड़ता। चोरी करना बहुत खराब लगता है सर, मेहनत से कमा के खाओ तो सुकून मिलता है परिवार को और हमारे को भी। जब पैसा नहीं रहता तो कभी कभी ऐसा ही करना पड़ता है। क्या करते हो? चोरी चोरी करते जब पैसा नहीं रहता। चोरी का मतलब क्या? चोरी नहीं, जैसे कि टूटा फूटा रह गया कुछ भी वो मांग के ले लेते। चोरी का मतलब किसी का मकान का ताला तोड़ना नहीं होता है। चोरी का मतलब नहीं, ये नहीं करते आप बराबर बोले। इनका चोरी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई लोहे की कोई चीज कि जैसे कोई वो चीज़ें अगर रास्ते में दी जाए, जैसे प्लास्टिक की बोतलें हो या जो कुछ दे, ऐसा लगता है कि इसको बेच के दो पैसे आ सकते हैं, ऐसा वो काम का पेट पालने के लिए ये काम करते रहते हैं। और पढ़ाई शिक्षा तो बहुत दूर दूर तक इनमें दिखाई देती है। अब ये चले आह्वान करना चाहूँगा अपने सरकार से और ख़ासतौर पर मनपा प्रशासन से कि यदि या NGO उन संस्थाओं से यदि आप में लगता है कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि बाहर के शरणार्थी को हम करोड़ों की संख्या में बुलाना चाहते हैं, उनके लिए उनका मौलिक अधिकार उन्हें देना चाहते हैं। ये भी लोग आए हुए हैं, इन्हें भी जीने का हक है, इन्हें भी ना इनके लिए कुछ अच्छा इनका जीवन समर्थन हो, इन्हें कामकाज मिलना चाहिए, दो वक्त की रोटी का जुगाड़ होना चाहिए। ये छोटे छोटे मासूम मासूम ऐसे ये बच्चे अपने बदहाली पे है, मगर उसके बावजूद भी गरीबी में भी ये डट कर सामना कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।